करना है ए टू जेड इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, अभी तक ऐसा कोई नहीं ट्रिक बताया होगा जिसके मदद से आप अपने पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप देख सकते हैं। आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हैं, इस ट्रिक की मदद से आप देख सकते हैं आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं जो भी पूछना। तो उससे पहले दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के मुझे भी सपोर्ट करिए। आपको लिए ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। यहाँ पे वीडियो को भी शेयर कर देना, क्योंकि सभी लोग पता कर पाएँ कैसे अपने बैलेंस चेक करना है। तो नीचे आपको कॉमेंट बॉक्स में कुछ भी अच्छे मतलब कुछ भी दिक्कत कहीं पर होता है तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लाकर आप लोगों को समझाकर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नाइस वीडियो है सुपर वीडियो लिख लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कैसे क्या करना है। तो सिंपली इसको आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर के लेना पड़ेगा मदद, तो आपको सबसे बढ़िया होगा क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर से बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास क्रोम ब्राउजर नहीं है तो आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे एक अथी लिखना पड़ेगा PFMS, यहाँ पे देख सकते हैं PFMS यही लिखना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। मारने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके मोबाइल में आ जाएगा। आने के बाद आपको कैसे क्या करना है जो देखते रहिएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है PMS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएंगे। आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से ऊपर नीचे की ओर करना है। यहाँ पे ऊपर आपको थ्री डॉट मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री डॉट, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा तो आपका मोबाइल कंप्यूटर के जैसा हो जाएगा। तो होने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। होने के बाद आपको थोड़ा इसे जूम करना है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी बैलेंस सरकारी है मतलब जो भी आपके पास बैलेंस है वहाँ का यहाँ बैलेंस का नाम डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ मान के चलिए मेरा बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक है, तो वहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया डालना। आपका जोन सा भी चीज का है वहाँ पे डाल देना है बैंक ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, यहाँ पे इंटर द अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे जो ए पूछ रहा है 3 नंबर में ऑप्शन जो आपको बैंक में ही मिल जाएगा, बैंक का पासबुक में मिल जाएगा, वो वहाँ से अपना देख लीजिएगा। कन्फर्म अकाउंट नंबर वही पूछ रहा है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 18 43 31 कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता पर अपने पर्सनल बैंक डाटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप बहुत आसान तरीके से ऐसे देख सकते हैं। अगर अभी भी कुछ दिक्कत होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई 100% करूँगा और जो भी दिक्कत होगा मैं आपको सोल्व करके दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।